ट्रैवलिंग पे नहीं है, बल्कि ये वीडियो हम इंडियंस के बारे में है। हम इंडियंस को जो चीज़ मना की जाती है या जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हम उसी के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। जैसे कि कोई लड़का या लड़की हमें मना कर दे तो हम उसी के पीछे जाएंगे, या फिर अगर व्रत में हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, जैसे कि आइसक्रीम या चॉकलेट खाने का मन करता है। वैसे ही आज हमें देश के बड़े बड़े लीडर्स ये कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। हर इन्फ्लुएंशियल पर्सन ये कह रहा है, हर कोई ये कह रहा है, हर डॉक्टर ये कह रहा है, तो हम मान क्यों नहीं सकते? हमें अभी ही गोवा जाने के प्लान्स बनाने हैं, छुट्टियां मनानी है, क्रिकेट खेलना है। अरे भाई, जब वर्क फ्रॉम होम मिला है तो घर पे बैठो ना। जब तुम्हें हैशटैग नेटफ्लिक्स एंड चिल डालने का मौका मिला है तो डालो ना। हमारी दुनिया में अभी सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना वायरस, पर हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस के जरिए। अपने हाथ बार बार अच्छी तरह से साबुन से धोएं। अगर आपका घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकले। अपने मुंह पर मास्क पहन कर रखें, अपने साथ सैनिटाइजर कैरी करें, और जैसे अपने नाक को, मुंह को, आँखों को ज़्यादातर ना छुए। अगर किसी को खांसी या जुकाम की बीमारी है तो उसे अपने साथ रुमाल कैरी करना चाहिए, और छींकते या खांसते वक्त उसे अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। इन कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस से हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। हम हमारे देश में कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। चाइना और इटली में कोरोना वायरस थर्ड फेज तक पहुँच गया है, पर हमारे देश में अभी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स की वजह से हम इसे रोक सकते हैं। पर इसके लिए हमें इसे मजाक समझना बंद करना होगा, इस पे मीम्स बनाने बंद करने होंगे। पर कुछ मीम्स अच्छे भी हैं शायद, वो हमें इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन। आप भी अपने फैन पेजेस के थ्रू अलग अलग लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। अपने फैन पेजेस के थ्रू आप इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और एक और ज़रूरी बात, 22 मार्च 2020 को हमारे देश में जनता कर्फ्यू होने वाला है, जिसकी वजह से हम अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं उस पूरे दिन। अगर हमारे देश में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा तो हो सकता है कि हम कोरोना वायरस को अपने देश से निकालने में कामयाब हो जाएं, हम बहुत सारी और जानें बचा पाएं। तो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन अपने घर से बाहर ना निकलें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे एक और रिक्वेस्ट की है कि 22 मार्च 2020 को हम शाम को 5 बजे फिर अपनी छत पर जाकर, अपनी बालकनी में जाकर तालियां बजाकर उन लोगों की शुक्रिया अदा करें जिन लोगों ने हमारी इस समय में बहुत ज़्यादा सेवा करी है, यानी कि डॉक्टर्स, पुलिसमैन, जो लोग हमें बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।